चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ब्राह्मण समाज जो हो तो बीजेपी को छाड़ के कहीं जाएगी नहीं। हम अपनी पार्टी में जा। अच्छा, कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, हाथी वाले। हाथी वाले। मैं ये जानता हूँ चाहे सरकार जो बने, जो आरक्षण हटा दे उसी लिए हमारी मेन सरकार है। छोटे मोटी जातों का नहीं सुनता कोई, बड़ी बड़ी पार्टी वालों को। चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन की टीम है आज चित्रकूट जिले में, और हम लोग चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के सदीनपुर गांव में हैं। सुदीनपुर गांव है इसका, जो कि मंत्री यहां के हैं चंद्रिका प्रसाद जी, और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी उनका गांव भी यहां से पास में ही है रसिन। तो आज हम लोग यहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि मंत्री जी के क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है, लोगों का क्या राय है इस चुनाव में, और हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हाँ, नाम जरा बता दीजिए। किसका? अपना। हाँ, मेरा नाम श्री राजा मिश्रा जी। किस विधानसभा में आता है ये? करबी में आता है, चित्रकूट करबी। क्या है चुनाव में, क्या दिख रहा है? चुनाव में बढ़िया माहौल दिख रहा है, और दोनों सपा बीजेपी की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हाँ। पिछले बार नहीं थी कांटे की? पिछले बार बहुत बड़ा फर्क था, इस बार बहुत करौंट ले सकते, किधर भी करौंट ले सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। किसी को नहीं कहा जा सकता कि यहाँ ये पार्टी एक तरफा है, दो के बीच लड़ाई है, सपा और बीजेपी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मंत्री जी है ना? हाँ, मंत्री जी का क्षेत्र है, काम भी किए हैं, लेकिन अब कहो कि एकदम मतलब वो हाई लेवल में है तो नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कैसा रहा 5 साल का सरकार का? ठीक ही रहा। हाँ, न ज़्यादा बुरा था न ज़्यादा अच्छा ही था, ठीक है रहा, मतलब मीडियम समझो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। गाँव मंत्री जी का गांव है तो कुछ काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, हो भी रहा है, लेकिन अब इतना एकदम हाई लेवल तो नहीं दिया जा सकता। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, अभी अभी आया है, रैली हो रही है यहाँ पे, तो वहीं से अभी आया, अभी हुआ है ना, उपाध्याय जी गांव आए हैं। अच्छा, हाँ, तो इधर नहीं आए, उस वाले गांव में है। इधर इधर नहीं आएंगे, इधर कल आएंगे। अच्छा, कल जब रसिन का दौरा करेंगे तब इधर आएंगे। किसके साथ है? हम तो योगी जी के साथ, टोटल हिंदुत्ववादी। आप तो नौजवान है, इस बार तो बड़ा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? देख, सबसे अच्छा काम इस बार हुआ है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, जो अभी तक क्या होता है, जातिगत बहुत ज़्यादा होता था, जैसे यादव टोटल भर्ती कर लिए, तो इस बार क्या हुआ, मतलब आरक्षण नहीं हुआ, जो योग्य थे उन्हीं को जॉब मिली है, तो पढ़ाई करें। अभी कहाँ जॉब सब पेंडिंग में पड़ी हुई है? अरे मिली तो अभी, सब भर्ती हुई तो है। लाख तो कह रहे हैं कि सरकारी पद खाली है, बताओ भाई आपका तो लगता है सब भर दिया गया सरकार? मैं ये जानता हूँ चाहे सरकार जो बने, जो आरक्षण हटा दे उसी लिए हमारी मेन सरकार है। अच्छा, हाँ, नौकरियों में देख रहा है, एससी ओएसटी वगैरह के लिए जहाँ 70 में हो रहा है, ब्राह्मण के लिए 100 में नहीं हो रहा है, 110 120 लाए 100 में, मैंने तब जाके हो रहा है। एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम दिया था। अभी आरक्षण हटा देगी क्या? तो नहीं हटा रही, यही तो सरकार में कोई, कोई नहीं अच्छी सरकार हमें नहीं है, कोई नहीं जो आरक्षण हटा दे वही सरकार है, कोई नहीं हटाएगा। आप लोग बीजेपी के साथ हैं तो हटा देगी वो, ना हटा पाएगी? मुझे नहीं लगता कि हटा पाएगी, जब हटा दे 5 साल मंत्री क्षेत्र में क्या ब्राह्मणों का आरक्षण कम से कम दिया ना? हाँ, 10% दिया ना कम से कम। शुभम शुक्ला। और आपका? रवि शुक्ला। सबसे बड़ी अन्न प्रथा, हर एक किसान के लिए, हर एक बड़ा किसान आदमी, बड़ा किसान नहीं है कि वो तार की रुंधाई करे खेतों में, और रात रात भर किसानों को जगना पड़ता है। अन्न प्रथा तो इसी सरकार में सबसे ज्यादा मजबूत हुई है। हाँ, हुई मजबूत, पर एक तरफ देखा जाए तो अच्छा भी किया, एक तरफ देखा जाए तो गलत भी किया, दोनों तरफ से बात है ना। तो दोनों में से कौन चुनेंगे आप? अब हमारे क्षेत्रीय नेता हम तो बीजेपी के सपोर्ट करेंगे जो भी हो। क्या नाम है चाचा? मौना देवदत्त है। क्या कहना चाहते हैं, चुनाव में क्या हवा है, किसकी तरफ है हवा? बीजेपी वाले, ब्राह्मण समाज जो हो तो बीजेपी को छाड़ के कहीं जाएगी नहीं। तो सुदीनपुर नहीं, भाजपा के साथ यही जहाँ खो चला जा, ये तो नहीं कि मैं रोक ठोक आया है, लेकिन ब्राह्मण समाज हमारे गांव की जो है वो टोटल बीजेपी में है। तो क्यों, मतलब प्रत्याशी को देखकर है कि पार्टी? नहीं नहीं नहीं, पार्टी देख के है, प्रत्याशी का आप ना समझिए जो है। हाँ, विकास हो या ना हो, लेकिन ये हमारा सिद्धांत है हमारा जो है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी? बीजेपी अनेक कोई है,
बहुत से काम सही किया है, जो धार्मिक काम रुके पड़े थे, जो है मुद्दा बना के रखा था पार्टी जो है, दो चार काम किया, जैसे अयोध्या मंदिर है, बनारस वाला है, तीसरा जो है ये जो है मथुरा। अच्छा, तो ये काम जो हल कर रहे थे, धार्मिक काम नहीं है, ये धार्मिक काम नहीं है, लेकिन लोगों का रोजगार नहीं है। रोजगार तो फिर अब रोजगार जौन है भाई, अब जौन उनसे हो सके थे तो कर रहे हैं, जितना उनके अंडर में उतना कर रहे हैं। अब ये कहता सब कह दे कि पूरी जनता 130 करोड़ जौन है सबका मिल जाए तो धरी है का, किसको हटा देगा भाई? बहुत से तो अब पदमा है जौन है तो उनको थोड़ी हटा देंगे। अपने जगह का ही बताएं, यहाँ का क्या हाल है? यहाँ का जो रसिन वाला विधायक रहा है तो ये सड़क बनवा दी सी, बस हाल या होगा और कहा है, और कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं, सड़क बना बस। अब एक सड़क मोटा बना थी, अगर दीख हो जाए तो मोटा दीख हो जाए, एक आदमी खातिर निजर में सड़क बन रही है, जो कि सार्वजनिक गांव का सड़क मुझे उठा से गए गांव का। कौन बनवा रहा है? मंत्री जी बनवा रहा है। तो काम तो कर रहे थे आप, बहुत किए खाली फिर कर रहे हैं। हाँ, तो ये हिटन का काम है बहुत, जो बॉर्डर साहब बताओ तुम मोटी दूर से तुम आए हो तो हम झूठ न बोला तुम। यह नहीं निकल रहा है रसिन वाला विधायक, क्या नाम है उनका? चंद्रिका। नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, वही तो आपके हमारे क्षेत्र के यहाँ नहीं निकल रहा, बता नहीं निकल रहा है। आप लोग दूसरी जगह जाएंगे? नहीं नहीं भाई, दूसरी जगह कहाँ जाए, हम अपनी पार्टी में जा। अच्छा, कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, हाथी वाले। हाथी वाले क्या हाल है इस बात? वहाँ पंच हमको तो प्रचार में बुला देते, अब यहाँ से गांठी से नहीं जा रहे थे, अब नहीं पहुँच रहे, क्या करें? लड़का जा थी, अब हम बूढ़ बाढ़ गोरु बच्चे का थी, यहाँ पर जा रहे हैं प्रचार करे थे। तो आप लोग की क्या समस्या है गांव में? गांव में समस्या देखे थे कि पानी भाता चारा नहीं, हाँ गोरुन का अब यह समस्या है, हरियार नहीं आता, हरियारे का जाते मरियार चारा नहीं, बस इतने तो है, गरीब आदमी का है नहीं गोरु है, उन्हें ढील देती उन्हें रात भर पार्टी खा जाती है। उसका कोई उपाय नहीं निकाला सरकार ने? वह सरकार बाबू जी पहले किया है, तब अब गांव में 1-1 हज़ार का चंदा हो रहा है, अब कहते हैं चारा लाइए, अब गरीब आदमी आज ये क्या कहते 13 महीने लगे हैं, क्या क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। चंदा कौन मांग रहा है? वहाँ चंदा मांग रहे हैं, क्या कहते गाँव लोग के मांग रहे हैं, प्रधान मांग रहा है हाँ कि चारा का गोरु का घास लाई जाए हैं। तो वहाँ अब गाँव जो गाँव वाले नौकर हैं उनको क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा? कहाँ पर यहाँ बना है गौशाला? हैं वहाँ बना, वहाँ वहाँ करबी रोड वाली में, वहाँ क्षेत्र में पहाड़ के तरह तो सब वहाँ चला, अन्ना चला गया सब? हाँ हाँ, लेकिन उसका पैसा आप लोग से ले रहे हैं, चंदा लेके? हाँ सब कुछ। तो भाई नौकरी अगर नहीं सरकारी पा रहे हैं तो भाई हमसे चंदा गरीब आदमी से कर ले रहे हैं, उसको व्यवस्था करें, नहीं वहाँ ढील दे। सरकार तो कर रही है, हमने बहुत पैसा दिया है गौशाला के लिए। तब गए सरकार तो दे थी, जब बीच वाले हम तुम जाओ ना तो सब खाए बैठी। तो आप लोग बताइए क्या हाल है इस बार, चुनाव में क्या होगा? बाबू जी अच्छा काम होगा, पर एक बात यह है चुनाव अच्छा नीक लगी, पर दूसरी बात है ये जो बटन वाला है, बटन खाने में आप नीचे खाओगे हम खाएंगे, समझ में नहीं आ रहा बटन में पड़ेगा, पर्ची से पड़ेगा तो अच्छी बात है। हाँ, क्या इसमें अच्छा क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि बटन दबाते हैं हम दूसरे की, जाती है दूसरी जगह। तो पिछले बार वोट दिए थे? हाँ हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मैं पकड़ा था। अच्छा, किसमें डाले थे, कहाँ चला गया? मैं जा रहा था हाथी में, कहाँ चला गया? वहीं लगा मोदी मोदी हम क्या करूँ बताओ। इस बार ये बताया गया है कि जो मशीन वहाँ से आएगी उसमें जो बटन आप दबाएंगे उसी के पास से पर्ची निकलेगी। अच्छा, और जब पर्ची ना निकले उसमें दूसरे हम निकल जाए वही खड़मंडल मचा देना। भैया नहीं नहीं कहाँ जाया कहाँ चली गई, इस साल पर्ची निकलेगी तो इस बार क्या लगता है कि फिर वही होगा? मुआसा समझ में इसे साहब, सब लोग नहीं जाएंगे, आप लोग साथ रहेंगे हर बार, यही में जाएंगे जहाँ पिछले बार गए थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? बोल रही था तुम्हारी इच्छा हो तो उन वाला ब्राह्मण का कह रहे थे। हाँ बोलिए। ब्राह्मण यह है कि ब्राह्मण जो है आधे हैं ये पार्टी में, अब आधे जो है वहाँ है। कहाँ वहाँ कहाँ? अब वो मजाट है, को साकिल मजाट है, को जो हटो हत्था मजाट है, ऐसे जो है। हाँ, तो बटे हुए हैं। पिछले बार भी बटे थे कि इस बार बटे? नहीं, पिछले साल नहीं बटे थे, पिछले बार एक ही जगह। हाँ, एक ही जगह थे। कहाँ पे? या जो हटो वो मानी
ये मोदी माँ। अच्छा इस बार बट गया, ये इस बार बट गए। आप लोग नहीं बटे हैं ना? ना। तो बहन जी का तो लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा हवा कमजोर है। उधर हवा कमजोर है कह रहे हैं, सही है या उधर आदमी जो आप चिल्लात रहा है? हम तो नहीं कहता कमजोर है। हाँ और आप दादा आपका क्या? अरे बाबू जी हम कहीं का ध्यान, वृद्धापन कट गया, किसान का पैसा नहीं मिल रहा, गल्ला नहीं, 2000 रुपया नहीं मिला है? कहाँ मिला बाबू जी, हम सबका गल्ला नहीं, वो किसान का पैसा कोहू का आवा कोहू का नहीं आया, कोहू का आवा कोहू का उठे नहीं। हाँ आपका नहीं है ना? खेती बाड़ी है ना? हाँ खेती बाड़ी है बाबू जी, वैसे नहीं बैठे हैं। भाई सब घर वाला जो मिल रहा है, शौचालय वाला कुछ नहीं हमें मिलता है। दुई प्राणी है दाई बाबा, हम मर रहे गुरु है, को सुनाई नहीं है, चाहे यही बनावा राजा चाहे ये बनावा प्रजा। और का आपको भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। कहा है ऐसा? अब भाई यहाँ बैठे हैं, पूछ लो कहो को भान का गुरु मिला है? खेती का पैसा मिला को मिला हमें सब वाला। हाँ। वो पैसा तीन बार कागज डाले कोई सुनाई नहीं है। हाँ। तीन बार कागज डाले नहीं सुनाई है? नहीं सुनाई भाई, एको बार नहीं मिला। एको बार नहीं मिला। तो गांव में ऐसे कई लोग के साथ हुई बात? हाँ। अरे तो मैं उस टोला मिला है क्या? कोको को मिला है, अवे मिला जाए कोको को यहाँ मिल जाता है। हाँ हमें नहीं मिल रहा। सरकारी वाला मिला है? कुछ नहीं, न तरकारी मिली न सरकारी मिली, कुछ नहीं मिला साहब, मर गए हम भी मौत। आओ बताओ कहाँ तक रोवन, सब दुख रोआ आंसू एक नहीं होती। जमीनवा ना हो पैदा ना हो तो मर जाते भूकन। अच्छा कितना जमीन आपको? है 2-3 बीघा। छोटे मोटी जातों का नहीं सुनता कोई, बड़े बड़े पार्टी वालों को, बैंक से लगा के हर चीज़ों में तकलीफें हैं। नोटबंदी में अपने शाखा में कितना पैसा आता है उतना हर मंडल को पैसा देना चाहिए ना, बड़ा छोटा आदमी कुछ नहीं लगता है, एक हिसाब से इंसान लगना चाहिए। एक बार मेरी नोटबंदी में झगड़ा भी हुआ था बैंक में, मैनेजर में लप्पा चुप्पी भी हुई थी हमारी नोटबंदी में। बहुत से आदमी फैमिली खत्म भी हो गया कुछ बारी, आदि बहुत दूर दूर से आया, फैमिली बहुत बहुत पड़े थे। फिर बाद में नोटबंदी के हिसाब से जो बड़े बड़े पार्टी वालों को पैसा दे रहा था, और जो पुलिस अधिकारी है 100 नंबर चला दिया ने, 100 नंबर तो बहन जो सुलेनामा कर दे बीच खाते में पैसा ले लेती है फट दे। और जो ईमानदार है उसको साले को बेईमान बना दिया, जो साला बेईमान है उसको साले को ईमानदार बना दिया। बोलो जो सदस्य बन जाता है, प्रधानमंत्री प्रधान बन गया, सब अपना देखते हैं, कोई किसी को नहीं बनाता। मेरी आवाज़ आई हुई सूची में आई हुई कॉलोनी ने मेरी, साला सरकार ने बोला कि 18 बना है थोड़ा सा, तो बोले कॉलोनी मत दो। जब आदमी देखो कोई अगर लाभ ना मिले उसमें हमको, कई बार तो साले को राशन कार्ड ऑनलाइन कराया कोई सुविधा नहीं, बोलते तो बाहर नौकरी करता मगर इसकी माँ का जो सरकार का सबको मिलना चाहिए ना, तो हमें साले को औठा कहते हैं गंडन कहते हैं, औठा ना लगे तो कहाँ गल्ला नहीं मिलेगा। जब लास्ट महीने में गल्ला बढ़ने के बाद में जब गरीब आदमी दौड़ के वहाँ जाता है तो कम से कम 2-4 बार अगर दौड़ के आ गया घर पर हो तो एक बार साला लास्ट में तो उसको दे देना चाहिए ना कि जा ले जा।